तावड़े ने कहा है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह ने कहा है कि आने वाले भविष्य में आपके साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। हमसे क्या गठबंधन का मतलब? अरे एक ही बार हम लोग तो अटल जी को मानने वाले और उनके साथ थे, वो कितना अच्छा थे, और उसके बाद तो हम लोग छोड़ दिए थे। आई बाद में पीछे पड़ के जो फिर 17 में और वही लोग ना उन्हीं की बात मान करके चले गए, फिर हम लोग अलग हो गए, तो इसलिए उनका कुंजी है। हम ही लोगों को इतना आग्रह कर कर के 17 में किए हम चले गए, बाद में तो लग गया कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि 20 में जो हम लोगों के साथ किया है, किस तरह से किया है सब चीज़ को करने का, हम बनना नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री, आज ज़बरदस्ती बैठ करके लोग, हम नहीं बनना चाहते थे कि भाई आपका सीट ज़्यादा जीता आप बनिए, लेकिन वो ज़बरदस्ती करके और बाद में जो हमने देखा कि पहले तो सब ठीक से करता था, इधर उधर करने लगे सब लोग, तो हमने तो भाई मेरे पार्टी के सब लोग बोलता था कि हम लोग जो जीते हैं देखिए अपने बल पर, बाकी सब बताया था कि हमको किस तरह से हरवाया गया। अब वो लोग जो जीता तो उसमें तो हम लोगों की पार्टी का जो भी समर्थक था दिया वोट, तब आगे का चुनौवा होगा तब न देखिएगा, अभी काहे के लिए चिंता कर रहे हैं। सर, आप तो बिहार को जरा ठीक से जान लीजिए, इतना ज्यादा जो हुआ है और जितना हम लोगों ने इज्जत दिया आई भूल गए हैं, जब साथ थे तो याद कर लीजिए, आप लोग नई पीढ़ी के लोग हैं 10 में, तो जब चुनाव लड़े तो आप समझ रहे हैं ना कि जितना बार चुनाव लड़ा था कितना बार जीते थे हम लोग जी, अलायंस था तो 2005 में, उसमें तो फरवरी में चुनाव हुआ तो नहीं हुआ, तो फरवरी में हम कितना जीते वो कितना जीते देख लीजिए, और फिर उसके बाद जो नवंबर में चुनाव हुआ तो हम लोग कितना जीते 88 गो, वो कितना अब सरकार बनी, और उसका जो 2010 वाला था तो आप जरा सोच लीजिए, एगो को ला करके जो हम लोगों का सिंबल है उसी तरह से दो जगह और सिंबल है, कोई कोई ला करके करता था इधर उधर, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हाँ नहीं दो जगह का झारखंड मुक्ति मोर्चा और वहाँ का, हाँ तो इसी का करा के कुछ लोगों को ला के कुछ हम लोगों का कर देता था, 5-7 लोग ऐसे ही, हाँ लेकिन बताइए उनको कितना मिला आपको पता है? हम लोगों ने जो काम किया 5 से सबके हित में, हिंदू मुस्लिम सबके लिए जो काम किया, तो माइनॉरिटी का एक अच्छा खासा हिस्सा हम लोगों के साथ हो गया था, और मेरे साथ हो गया था, ये हम लोगों के साथ था, जरा याद कर लीजिए, पत्रकारों से पूछ लीजिए, वही लोग जो जहां देख रहे थे वोट के टाइम में कि कहा करे भाई तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी बीजेपी वाले को भी दे रहे, तब सोचिए क्या हुआ था, सब भूल गए किस तरह से वहां पहुंचे थे, और उसके बाद जब हम लोग अलग हो गए थे 15 में तो कै गो सीट जीते थे, आ इस बार जो है हम ही को हरवा के हमारा ही वोट लेके जीत गए, अब आजकल बोल रहे हैं, तो इसलिए चलिए ये सब कोई मतलब नहीं है, और हम लोग कहे के लिए, हम लोग तो इन लोगों के चलते चले गए थे, हम लोग तो चाहते रही थे, तो अटल जी का जो भी था, लाल कृष्ण अडवाणी जी का सब कुछ का था, तो हम लोग तो उनके पक्ष में थे ना, तो ये लोग आ गया तब तो नया पार्टी इन लोगों का हो गया, जरा अंदर से पूछिएगा उनके लोगों से भीतरिया से तब पता चलेगा, अब ये लोग जो आ गया है सब चीज़ बदल रहा है, देश का एक एक चीज़ को सब चीज़ को बदलना चाह रहा है, क्या क्या चीज़ नया नया नामकरण करने के चक्कर में, क्या मतलब है इन लोगों का, आज़ादी की लड़ाई में जन्म हुआ था, बादे में जन्मे हैं है? और क्या मतलब है इतना ज़्यादा जो आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों की योगदान है और उसको भूल करके कोई बात होगी, आप जरा सोच लीजिए, हम लोग आकर के कब तक देखते थे, यही ना पढ़ते थे जी इंजीनियरिंग कॉलेज में, आज तो हो गया पास किए हुए निकल जाए हुए 50 साल, अब बोलिए यहाँ आते थे रोज, हम जाके यहाँ बैठते थे, यहाँ नमन करते थे, और यही गांधी यहाँ पर जो घाट है यहीं पर बैठते थे हम, आप लोग जरा जान लीजिए, तो हम लोग कभी भूलेंगे है? मेरे पिताजी थे स्वतंत्रता से, अब वो उन्होंने जो हमको बताया था बचपन में एक एक बात, अब बाद में एक एक चीज़ हम लोग पढ़े थे, तो इसीलिए ये सब मत चिंता करिए, जो आज़ादी की लड़ाई है उसको नई पीढ़ी तक हम लोग पहुँचाने की कोशिश में लगातार रहते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, जरा जान लीजिए और किस तरह से देश को एक किया गया और समाज को एक किया गया, लोगों को जोड़ करके रखा गया, दो हिस्सा में बट गया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर सब हैं, तो कभी हिंदू मुस्लिम का झंझट होना चाहिए,
तो कुछ लोग तो इधर उधर करता रहता है।